हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर एनालिसिस के बारे में। आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो खत्म हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं कि इस शिफ्ट में जीके जीएस एंड जीए का किस तरीके का क्वेश्चन था। साथ में थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए थे। सबसे पहली बात ये बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, तो आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट में अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन का जो है ये लेवल थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में अगर इस फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है कि फुल फॉर्म ऑफ ALU क्या है, तो वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है कि हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है, तो करक्यूमिन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग। तीसरा है कि जॉग वाटर फॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर दे रहे हैं। जॉग फॉल जो है वो एक वाटरफॉल है जो कि सरावती नदी पर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। याद रख लेना जॉग वाटरफॉल कहाँ है, तो वो कर्नाटका में है। और इट इज द सेकेंड हाइएस्ट प्लग वाटरफॉल इन इंडिया, ये भी एक पॉइंट है, तो आप लोग याद कर लेना जॉग वाटरफॉल से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो, तो ये हो जाएगा बैंगलोर में। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2019 में लोकसभा में बीजेपी की सीट कितनी थी, तो 303 थी। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदन अन्न योजना के तहत राइस का प्राइस क्या रखा गया था, तो 3 रुपए पर केजी। देखो कितना करंट अफेयर से कितना अंदर से क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना कि अंत्योदन अन्न योजना के तहत राइस का प्राइस क्या है, तो 3 रुपए पर किलो। एक क्वेश्चन था कि 2016 का फर्टिलिटी रेशियो क्या है, 2.3, क्या हो जाएगा 2.3। एक क्वेश्चन है कि डिस्कवर से लिया गया है कि हु डिस्कवर बैरोमीटर, तो ये हो जाएगा इवांगेलिस्टा टोरिसिली। और ये जो बैरोमीटर ये है क्या, तो ये है एयर प्रेशर जो है वो मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो आसाम में है, आसाम की राजधानी दिसपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ UNO कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री कहाँ है, तो वो है सैन मेरिनो में, जो कि इटली से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का मिला है कि अगर कॉप को कोड किया गया है, COP को कोड किया गया है 27 से, पिंक को कोड किया है 64 से, तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि डांस का कोड क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देना, COP को क्या लिखा है 27, तो बोल सकते हो कि COP में 3 लेटर है, तो उसने क्या किया है 3 का क्यूब कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, पिंक है, पिंक को लिखा है 64, यानी पिंक में 1 2 3 4 4 लेटर है, यानी 4 का क्यूब यानी 64। तो जब आपको लॉजिक पता चल गया तो डांस का निकाल लो, तो DANCE डांस है, मीन्स 5 लेटर है, तो 5 का क्यूब यानी 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 125, ओके। एक क्वेश्चन पूछा है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो एपिग्राफी कहलाता है। एक क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछा गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि 4, 18, 48, 100, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो सबसे इजी मेथड आप लोग को बताया है कि अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग डिफरेंस निकाल दो। अगर यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 14, यहाँ का अगर निकालो तो ये क्या आता है 30, और 48 और 100 यहाँ का डिफरेंस निकालो तो ये आता है 52। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो फिर से एक डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22, ओके। फिर डिफरेंस निकालो तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ से पता चल गया कि हो क्या रहा है, तो 6 का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ भी 6 ऐड कर लो तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। फिर डिफरेंस यहाँ पे अगर काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा, 30 + 22, तो 52 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 52 + 28, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 10 + 2 = 7 = 8 यानी 80। तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 + 80 क्या हो जाएगा, 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 180, ओके। ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। चलो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के अनुसार, तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना। तब तक के लिए थैंक यू।